ये बहुत ही मजा आ रहा है। तो गाइस हम नदी घूमने के लिए आ गए हैं ईब नदी में। ये वही नदी है जो बेनी डैम से निकलता है। हम लोग पत्थर चुनने के लिए आए हैं, अच्छे अच्छे पत्थर को ले जाएंगे चरनी सेट में सजाने के लिए। और यहाँ एक मैजिक होता है गाइस, आप लोगों को सुनाऊं? यहाँ पे साउंड रिटर्न आता है, सराउंड करता है, जैसे वो मूवी में होता नहीं है, क्या बोलते हैं, मैं तेरा हीरो में वैसे खंडवा हूँ, खंडवा हूँ, खंडवा हूँ। बहुत ही शांत माहौल है यहाँ पे। यहाँ हमारे नदिया रानी कलकल की आवाज लेके तेज गति से बह रही है गाइस। ये बहुत ही प्रलोभित टाइप से सुनाई दे रहे हैं, अत्यंत मधुर साउंड है गाइस, आप लोगों को सुनाता हूँ। हाँ, और हम लोग बचपन में ही नहाते थे हम लोग। ये हाय करो। हेलो, हाय गाइस। यस यस, हम लोग बचपन में ही नहाना। ये देखो कितना सुंदर सुंदर फूल है। टेंटड़े। ये देखो मस्त मस्त। यहाँ हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है। हम यही हमारा महुआ हम महुआ उठाने यहीं आते थे, हम यहीं पे नहाते थे, हम यहीं पे टिफिन वगैरह को भी बहाए हैं, बहा दिए, मतलब नदी में प्रवाहित कर दिए हैं, नदिया रानी को सौंप दिए हैं। नदिया रानी का एकदम मस्त म्यूजिक प्ले करती है गाइस। शायद आप सुन पा रहे हैं, ये नदिया रानी का इस मधुर सिंगिंग के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? इस जगह पे हमारे बचपन की ढेर सारी यादें हैं। इधर भी, इधर भी, इधर पूरे एरिया में हम लोग आते थे बचपन में घूमने। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ पर्वत यहाँ विराजमान है, और वहाँ कुछ बहनें लकड़ी लेके जा रहे हैं घर आग जलाने के लिए। यस, अभी भी वालों का मैं फोटो शूट कर दूँगा। यहाँ बहुत ही अच्छा लोकेशन है नदिया रानी के पास, कुछ मेमोरीज फोटोज़ के रूप में कैप्चर करके लेकर के जाएंगे। पता नहीं अब कब आना हो रहा है इधर, तो चलिए पहले फ़ोटो क्लिक करते हैं, फिर आपसे बात करता हूँ। टिंग। सो गाइस, मैं आप लोगों को हम लोग काजू का बाड़ी दिखाता हूँ, काजू और आम का। उधर आप उधर का पूरा हमारा है, पूरा है। ये पापा ढेर सारे काजू का पेड़ और आम का पेड़ लगा के रखे हैं, इन फ्यूचर वो भी हम लोगों को खाने को मिलेगा। गाइस, जर्नी बना के हम लोग 27 तारीख को हमारे यहाँ बेलगोली पारिस में जुबली है, तो हम उसी का डिस्कस करने के लिए इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। 27 तारीख को आपका सवर से जुबली स्कूल का देखने को मिल जाएगा, बस चैनल पे बने रहो। और जो मॉर्निंग हमें नदी गए थे पत्थर वगैरह कलेक्ट करने के लिए, वो हम लोग कहाँ यूज़ किए, क्या किए, चरनी कैसे बनाए, वो आपको मैं रात में दिखाऊँगा। तो ये रहा वो स्कूल जिसका 100 वर्ष जुबली यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं 27 तारीख को, उसका ब्लॉग भी मैं डाल दूंगा। चलो भाई बहनों, बाला के दर्शन को, चलो भाई बहनों, बाला के दर्शन को, जो जन्म है बैतूलम गांव में, जो जन्म है बैतूलम गांव में, चलो भाई बहनों, बाला के दर्शन को, चलो भाई बहनों, जो जन्म है बैतूलम गांव में, जो
तो गाइस छोटी सी बच्ची कर है गाना आपको कैसे लगा कमेंट करके आप बताएंगे। बिल्ली बच्चा मेरे दिल की दुना बिल्ली बच्चा तेरा नाम है तली बता देती तली जब बोली बोलो मुन्ना हमारा गाना कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक्राइब करिए। तो गाइस मेरा चैनल आप लोगों को कैसा लगा और मेरे कॉलेज के बच्चों का गाना कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। यहाँ पे छोटा सा क्रिसमस पार्टी हो रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा हमारा छोटा सा केक जीजस के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे कोंडा में। ये इधर नाच रहे हैं लोग। इधर है नैतिक इधर मुन्ना राजा मेरा हमारा चटनी सेट आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। मेरा जीजस कुंभा में हैप्पी बर्थडे डियर जीजस हैप्पी ये रहा जीजस के लिए रोटी फिर खाएंगे तो हम ही लोग। हमारा केक और हमारा चटनी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा बोलिए। हम लोग का छोटा सा जीजस का पार्टी जीजस का बर्थडे की खुशी में पार्टी। इधर अंकित नाच रहा है ये। दिसंबर का सब बहुत ही खूबसूरत पल आग से काते हुए और क्रिसमस का प्रसाद खा रहे हैं इधर। ये है मेरा दादाजी, ये है मेरी मम्मी जी, ये है मेरी दीदी, ये है प्रीति, ये बड़ी दीदी, ये गांव का लड़का है आकाश, ये है अनिल। हमारा क्रिसमस पार्टी आप लोगों को कैसे लग रहा है? So guys, अपने अपने परिवार के साथ अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए अपने टोला पारा में या अपने गली मोहल्ला में मिल के क्रिसमस सेलिब्रेट करें सबके साथ अच्छे से मिलजुल करें। सो गाइस हम लोगों का चटनी सेट कैसा लगा आपको और हमारा छोटा सा क्रिसमस पार्टी कैसा लगा? बस आज इतना ही। टिंग।